1958 में हमको ये ज्ञान मिला। हमने बचपन से ही भगवान को याद करते थे और सत्यनारायण का व्रत रखते थे। जिस सत्यनारायण की कथा में बूढ़े ब्राह्मण का वर्णन आता है, भाई भगवान बूढ़े ब्राह्मण के तन में आया, तो कथा करके हम प्रसाद बांटने जाते थे। तो जो हमारे नीचे का घर था, गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे, उसमें नीचे का घर था, तो जब मैं वहां उनको देने गई प्रसाद, तो एक बहन उसके पास आई हुई थी, जिसने हमसे पूछा, आप सत्यनारायण को किस रूप में याद करते हैं? तो हमने इतना समझा नहीं, वो भी शांत रही और उसने कहा कि हमारा सेंटर यहाँ बनने वाला है, एक हफ्ता के बाद मैं फिर आप लोगों को वहां ले चलूंगा। तो हमारी मम्मा से जो मुलाकात हुई, वो जब सेंटर खुला एक साल के बाद, सेंटर पहले थोड़ा दूर था, एक साल के बाद वो वहां पर आया, हमारे नीचे ही आ गया। हमारे नीचे वो घर मोहिनी बहन वालों का था, जिसमें वो तीनों बहनें और एक भाई और माँ, ये परिवार रहते थे। तो हमें वो ले गई सेंटर पर और हमने सेंटर में जो योग चल रहा था, उस योग में हम सब शांति में बैठे थे, लाल लाइट चल रही थी। वहां पर मेरे कानों में जैसे कोई आवाज कर रहा है, आपको शांति यहाँ मिलेगी, यहाँ शांति मिलेगी। कोई बोल भी नहीं रहा था, लेकिन हम शांत रहे। थोड़ी देर में लाल लाइट बंद हो गई और सफेद लाइट हुई। एक भाई स्टेज पर बैठा था, उसने वाणी बाबा की उठाई और पढ़ के सुनाई। इतनी तो समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ कुछ आई। तो वो कुमार था, उसको क्वार्टर गवर्नमेंट का मिला हुआ था, उसमें सोचा कि मैं यहाँ सेंटर खोलूं। तो सुबह शाम वो क्लास कर रहा था। हमको शांति बहुत अच्छी लगी। हम घर में भी ज्यादा बिजी रहते थे, लेकिन जब टाइम मिलता था तो हम शांत में बैठ जाते। ज्ञान हमें बहुत अच्छा लगा और
हम अपने घर में शांति में बैठ जाते थे जब भी फ्री होते थे। एक साल तो हम उस सेंटर पर जाते रहे, धीरे धीरे ज्ञान समझने आया, लेकिन मेरा कनेक्शन बाबा के साथ हो गया। बाबा मुझे दिख नहीं रहा था, लेकिन ऑनलाइन जैसे बुद्धि द्वारा मेरा बुद्धि का कनेक्शन बाबा से जुड़ गया और बाबा ने मुझे सारी बातें समझाई, गीता की बताई, ग्रंथ साहिब की, भागवत की अंदर जो कथा आती है, तो वही बहुत अच्छा ज्ञान है। तो एक साल तो हम दूर सेंटर पे जाते थे जो 20 मिनट के दूरी पर था, लेकिन एक साल के बाद वो सेंटर हमारे नीचे जो घर था वो मोहिनी बहन वालों का घर था, तो वहां पर उन्होंने सेंटर शिफ्ट किया। तो पहले दिन वीरवार का दिन था, हम बैठे थे योग में, तो मोहिनी बहन ने कहा कि आप आज भोग लगाना। तो जब हम भोग लगाने बैठे तो हमारे तन में बाबा आ गया, बस बाबा की लाइट आ गई और इतनी तेज थी जो बहुत माताओं को वो लाइट दिखी जब बाबा ने सबको दृष्टि दी, तो दृष्टि में बहुत पावर थी और बाकायदे एक दो माता को तो क्लियर दिखा कि ज्योति हमारे तन में आई। 15-20 मिनट में बाबा बोले नहीं पर सबको दृष्टि दी। फिर बाबा ने कहा कि मैं कल आऊंगा। तो अचानक उन दिनों में मम्मा दिल्ली में आई। मम्मा को पता चला, मम्मा ज्यादा करके रजौरी गार्डन में आते थे, तो मम्मा का को पता चला, मम्मा वहां, उन्होंने बुलाया मम्मा को। तो हम गद्दी पर बैठे थे और बाबा आए, तो बाबा ने मम्मा भी वहां पर आई, मम्मा को बुलाया। तो जब बाबा हमारे तन में आए तो बाबा की वही दृष्टि और बाबा ने वाणी शुरू करी। मम्मा ने भी वो वाणी सुनी और जब वाणी पूरी हुई तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे मैं जा रहा हूं। तो मम्मा ने ये सुन करके बाबा गए। मम्मा ने पूछा कैसे बाबा आता है, मैंने कहा वापस पता नहीं, ऐसे लगता है कोई लाइट आ गई, जैसे हम बटन ऑन करते हैं तो लाइट आ जाती है, बिल्कुल ऐसे हम योग में बैठते हैं और एकदम थोड़ी देर में बाबा की वो ज्योति आ गई और बाबा ने वाणी भी चलाई और मम्मा से भी थोड़ी बात करी। मम्मा को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने भागवत के अंदर एक कथा आती है जिसमें कल्प वृक्ष की, भाई कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु गौ और कपल देव मुनि दोनों बैठे हैं, उनके द्वारा सर्व की कामनाएं पूर्ण होती है। तो कामधेनु गौ, हम सोचते थे कोई माता ऐसा गाय होती होगी जो आजकल फकीर लोग ले आते हैं,
लेकिन कामधेनु गौ वो माता थी। ये बाबा ने बुद्धि बुद्धि द्वारा हमें क्लियर करके बताया था। वो मम्मा थी और कपल देव मुनि बाबा, जिनके द्वारा सर्व कामनाएं पूर्ण होती थी। तो मम्मा को देखकर तो हमें बहुत खुशी हुई और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे माँ बच्चों के से बात करती है, प्यार करती है, गले लगाती है। तो ऐसे मम्मा ने हम लोगों को इतना अच्छा प्यार दिया। फिर तो मम्मा वहां से गई, लेकिन मम्मा ने जो दृष्टि दी, प्यार दिया, गले लगाया, वो हम भूले नहीं। और ऐसे लगा जो हम सत्यनारायण की कथा में पढ़ते थे वही मम्मा बाबा कल्प वृक्ष के नीचे, जो कल्प वृक्ष सृष्टि वृक्ष है। तो राज बाबा ने मेरे को सारा ज्ञान 7 दिन का बुद्धि द्वारा, जैसे अभी ऑनलाइन हम क्लासेस कर रहे हैं चलाते, ऐसे बाबा ने मुझे बुद्धि द्वारा सारी बातें समझा दी। तो सचमुच बड़ा वंडर लगा कि जिस भगवान का हम व्रत रखते थे वो अब आया हुआ है फिर से बूढ़े ब्रह्मा के तन में और सभी आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। तो मम्मा तो थोड़े दिनों में चली गई बस वहां से, दिल्ली से आबू में, लेकिन हमें बहुत नशा चढ़ा हुआ था। तो हम हर गली में, हर घर के अंदर ज्ञान सुनाते आते थे और सेंटर भी नीचे खुल गया हमारा, वही जो दूर था वो नीचे आ गया। और साथ साथ हमको सारा ज्ञान समझ में आ गया। थोड़े दिनों में के बाद फिर बाबा भी आए, तो बाबा को भी देखकर हम बहुत खुश हुए कि जिसकी हम बचपन से इतनी व्रत रखते थे वही बूढ़ा ब्राह्मण के रूप में भगवान मेरे सामने है। और बाबा ने बहुत प्यार किया, गले लगाया और पूछा, बच्ची तुम ध्यान में जाती हो? हमने कहा हाँ। तो बाबा ने हमें दृष्टि दी और अपने हाथों से, क्योंकि हम तब सलवार कमीज पहनते थे, कुमारी थे, तो हमें चुन्नी, हमारी चुन्नी बाबा ने अपने हाथ से बांधी और कहा चलो अब रास करते हैं। तो बाबा ने ऐसी दृष्टि दी जो हम ध्यान में चले गए और ऊपर गए तो श्री कृष्ण था और नीचे बाबा था। तो ज्ञान को तो हम समझा हुआ, बहुत हमें अच्छा लगा। बाबा और मम्मा दोनों को हमने हम मिले और ये हमारा भाग्य था जो मैंने भगवान की गीता भी पढ़ी थी और भागवत भी पढ़ा, ग्रंथ साहिब में भी वही ज्ञान है। तो बहुत हम खुश। फिर मम्मा भी आती रहती थी दिल्ली के अंदर। एक बार मम्मा हमारे मालवीय नगर में भी आई, पूरा दिन रही, लेकिन हम नहीं थे उस समय। बाबा हमको हर हफ्ते में कहीं ना कहीं भेजता था, या दिल्ली के किन सेंटरों पर, या तो दिल्ली से बाहर कहाँ नए सेंटर खुलते थे तो बाबा हमको भेजते थे।
तो हमारा जो कार्य तो हम सब करते थे, लेकिन हमारा ध्यान सारा टाइम आंतरिक रूप से बाबा की तरफ, बाबा मामा से मिलकर बहुत हमें खुशी हुई। फिर मामा साउथ एक्सटेंशन में आई, वहां पर हम सब लोग रहते थे। तो डॉक्टर माथुर जी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डीजी थे, उन्होंने बाबा को बुलाया था। 10 दिन बाबा वहां रहे। उनके पास एक भाई आया था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो ज्ञान में चलता था और दिल्ली से ही ज्ञान मिला था उसको। तो उन्होंने हमको फोन करी कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ, आप लोग मेरे से मिलने आ जाओ। तो अचानक हम गए वहां पर, हम उनसे मिले तो उसने बताया माथुर जी के लिए कि ये मेट्रोलॉजिकल सर्विस में है, जिसको क्या कहते हैं, तो और बहुत बहुत अच्छे हैं, लेकिन परेशान रहते हैं क्योंकि बहुत बिजी होते हैं। तो इनको बच्चा भी नहीं है, इनकी मिसेस भी सारा टाइम जो है वो भगवान को याद करती रहती है, पूजा पाठ सब करती है। तो उन्होंने हमको मिलाया कि ये माथुर जी हैं और ये उनका घर है, मैं अचानक एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पर इनके पास आए क्योंकि हमारा थोड़ा संबंध था। तो उन दिनों मम्मा आने वाली थी, 2-3 दिन के बाद मम्मा हमारे पास साउथ एक्सटेंशन में आई। तो मैंने इनको बोला कि आप आइएगा, हमारी मातेश्वरी माउंट अबू से आएगी और आप उनसे मिलना। तो कहते वैसे तो मैं भगवान भगवान को मानता नहीं हूं, लेकिन आप कहते हो तो हम आए। उन्होंने स्वीकार किया निमंत्रण। 2 दिन के बाद मम्मा वहां पर आई मधुबन से, और सारी क्लास के लोग भी आए और ये भी आ गए दोनों। जब मम्मा आई और सब लोग आ गए थे तो माथुर जी भी आए, तो हमने उनको कहा आप मातेश्वरी से मिलो। तो जब वो मम्मा से मिला तो पहला सवाल उसने मम्मा से किया कि हु इज गॉड। तो मम्मा ने कहा इज पॉइंट ऑफ लाइट। कहिए तो साइंस दान भी मानते हैं। तो मम्मा ने कहा ठीक है, मानते तो है पर जानते तो नहीं है ना। तो आप यहाँ पर 7 दिन का कोर्स होता है, आप वो कोर्स करना, योग सीखना। तो उसने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं करूंगा। तो बहुत अच्छा मम्मा का क्लास चला और अलग से मम्मा को तो पहले मिलाया और फिर मम्मा ने सबको अपने हाथ से
टोली दी, फिर तो मम्मा हमारे पास सारा दिन वो वहां साउथ एक्सटेंशन में थी।